Hello guys, welcome back again. And in this video we will be discussing about vaccines and vaccination. So we will discuss karne wale hain isme definition, principles, any vaccines ke kis principle pe based hai, iske types, saath mein kuch iski history dekhenge, how it is initiated. So sabse pehle dekhte hain vaccines kise kehte hain. To vaccines hoti hain, yani ki koi bhi jo pathogen hai aapka uska inactive form, yani ki uska inactive protein part hai, wo aap kisi bhi animal सेल में या फिर बॉडी में इंजेक्ट करवा रहे हो, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनते हैं वो इम्यून रेस्पॉन्स के आधार पे वो वैक्सीनेशन होता है. ठीक है, तो यानी कि आप वैक्सीन्स क्या होती हैं, इनएक्टिव बॉडी फॉर्म ऑफ ए पैथोजन. ठीक है, तो टीकाकरण क्या होता है, टीकाकरण में आप किसी भी होस्ट सेल में जिसमें आपने वैक्सीन्स दिया है उसमें आप किसी भी स्पेसिफिक जो पैथोजन है उसके खिलाफ इम्यूनिटी प्रदान कर रहे हो, उसे आप वैक्सीनेशन कहते हैं, यानी कि टीकाकरण. तो ये आपकी इम्यून जो सेल्स हैं उनकी मेमोरी बेस्ड एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है बॉडी की. तो इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें बताया था इम्यूनेशन के बारे में, यानी कि फादर ऑफ इम्यूनिटी इसीलिए बोलते हैं उन्हें, वो थे आपके एडवर्ड जेनर. तो उन्होंने देखा जो स्मॉल पॉक्स रोग था वो जो ग्वाले थे यानी कि जो काऊ को पालते हैं उनमें नहीं होता है. तो उन्होंने उनमें जो धब्बेनुमा स्कैब बोलते थे वहाँ से एक लिक्विड लिया और उसे किसी दूसरे बच्चे में इंजेक्ट करवा दिया. तो उसमें बाद में ऑब्जर्व किया उस बच्चे में भी वो स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. तो उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स की बनाई थी, इसलिए उन्हें एडवर्ड जेनर को बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनिटी. और उसके बाद में रोग कारक को अक्रिय करने की और अन्य विधियाँ भी बताई गई थी, जैसे लुईस पाश्चर ने बताई थी. उसमें एंथ्रेक्स था आपकी, कोलेरा और रेबीज, इन तीनों की जो वैक्सीन्स बनाई थी वो एडवर्ड जेनर के बाद में लुईस पाश्चर ने बनाई थी. उसके बाद में जो फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी और दो टाइप की, एक्टिव और पैसिव, इसके बारे में मैंने एक वीडियो अलग से डाला हुआ है. हाँ, तो फादर ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इसमें कहा गया वॉन वेरिंग को. उन्होंने सबसे पहले एंटी डिप्थीरियल सीरम बनाया था. तो पैसिव इम्यूनिटी के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक पे जाके क्लिक करके उसे देख सकते हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है. तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं वैक्सीनेशंस का किस तरह से होता है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एंटीजन ए है और ये ह्यूमन, मान लीजिए ये ह्यूमन कोई भी ह्यूमन है जैसे राम है, तो इसमें एंटीजन आ रहा है ए, तो उसके खिलाफ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले बनेंगी एंटीबॉडी ए. ठीक है, तो कुछ एंटीबॉडी होंगी जो किलर एंटीबॉडी होंगी, एट द टाइम पे उस पैथोजन को इनएक्टिव कर देंगी, लेकिन साथ में ही वहाँ पे कुछ मेमोरी एंटीबॉडी भी बनेंगी, जैसे मेमोरी एंटीबॉडी ए बनेंगी और सेकेंडरी टाइम पे इस पैथोजन के आने पे उसे इनएक्टिव कर दिया जाएगा, और सेकेंडरी टाइम पे उसे इफेक्टिवली वे में इनएक्टिव कर दिया जाएगा, और उसे बोलते हैं आप सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. फर्स्ट टाइम पे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और मेमोरी सेल एंटीबॉडी के द्वारा जब इनएक्टिव किया गया उसे बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. तो ये वैक्सीनेशंस का प्रिंसिपल है. टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स में बात करते हैं, तीन टाइप ऑफ बेसिकली देखो, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन. फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स में पैथोजन को इनएक्टिव फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कई बार वो बॉडी पार्ट में जाके वहाँ पे एक्टिव फॉर्म में आ जाता था, तो वो होस्ट सेल के लिए काफ़ी साइड इफेक्टिव हो सकता है. लेकिन फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में आपको चार टाइप देखने को मिलेंगे. एग्जाम्पल हैं जैसे लाइव एटीन्यूड में स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा है, किल में ये रोग हैं, तो ये ज़्यादा बेसिकली ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं. दूसरा, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स, इट डजेंट हैव एनी साइड इफेक्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू इंसेक्ट ओनली एंटीजेनिक पार्ट, नॉट ऑल द होल पैथोजन. इसमें पूरा पैथोजन इंजेक्ट नहीं करवा के हम ओनली एंटीजेनिक पार्ट ही इंजेक्ट करवाएंगे, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं. तो उस एंटीजन के खिलाफ होस्ट सेल में आपके वहाँ पर एंटीबॉडी बन जाएंगे, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स है, ओनली एंटीजेनिक पार्ट. जबकि थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स में क्या होता है, ये मोस्टली इफेक्टिव होती हैं और इसमें जीन को इंजेक्ट करवाया जाता है, क्रोमोसोम, उसके बाद में जीन, फिर डीएनए. ये हेरिडिटी कॉम्प्लेक्सिटी होती है. ठीक है, बेसिकली एक होस्ट सेल की बात कर रहे हैं हम, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं.
क्योंकि कंपैरिजन में कई बार जीन भी क्रोमोसोम के लेंथ में हो जाता है। जैसे DMD जीन है वो 2 मिलियन बेस पेयर का होता है, तो वो कई बैक्टीरियल क्रोमोसोम से भी बड़ा हो जाता है। लेकिन एक स्पेसिफिक सेल की बात करें तो क्रोमोसोम सबसे बड़ा हो, उसके बाद में जीन, और जीन में आप वो जो कि DNA से मिलकर बना होता है, तो DNA स्मॉलेस्ट यूनिट है, जबकि सबसे कॉम्प्लेक्स यूनिट क्रोमोसोम है हेरिडिटी के। तो जीन इसमें इंजेक्ट किया जाएगा और जीन से आप एक तरह से वहाँ पे DNA इंजेक्ट करवा रहे हो, इसलिए उन्हें बोलते हैं DNA वैक्सीन्स। DNA से वहाँ पे उसका खुद वहाँ पे ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन क्रिएट करवाओगे और उस स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए वहाँ पे एंटीबॉडी बनेंगे, इसलिए इसे थर्ड जनरेशन बहुत ही सेफ हो, नो साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, जैसे ल्यूकेमिया वायरस की वैक्सीन है। सो इट इज़ ऑल अबाउट वैक्सीनेशन, हाउ डज इट वर्क। और फादर ऑफ ह्यूमैनिटी आपके एडवर्ड जेनर, और ये एंथ्रेक्स, कोलोरा और रेबीज के वैक्सीन दिए थे आपने लुइस पाश्चर ने। फादर ऑफ पैसिव ह्यूमैनिटी ये दी थी वॉन वेरिंग ने। फर्स्ट जनरेशन जो वैक्सीन्स होते हैं इसमें जो पैथोजन होता है उसे इनएक्टिव फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जबकि सेकेंड जनरेशन में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है बिकॉज वी आर गोइंग टू इंजेक्ट ओनली एंटीजोनिक पार्ट। इन थर्ड जनरेशन इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन्स, इट डजेंट हैव 0% साइड इफेक्ट बिकॉज वाय द हेल्प ऑफ DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वी आर गोइंग टू इंजेक्ट ए स्पेसिफिक जीन, दैट्स वाई वी कॉल इट DNA वैक्सीन्स। लाइक ल्यूकेमिया वायरस के लिए जो वैक्सीन है वो थर्ड जनरेशन के द्वारा बनाई गई है।